नए साल में दून वासियों को एमडीडीए सौगातें देने जा रहा है। शहर की 80 किलोमीटर की सड़कों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, साथ ही शहरी स्कूली शासकीय स्कूलों में खाली पड़ी जमीनों को भी खेल मैदान के रूप में प्राधिकरण विकसित करेगा। चौराहे, छोटे छोटे पार्क विकसित किए हैं। बता दें कि 8-9 दिसंबर को देहरादून में संपन्न हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए जिस तरह से एमडीडीए ने शहर के विभिन्न मार्गों को सजाने संवारने का काम किया था, उसी की तर्ज पर अब प्राधिकरण शहर के 80 किलोमीटर अन्य मार्गों का भी सौंदर्यीकरण कार्य करेगा। इसके तहत वॉल पेंटिंग, म्यूरल्स आदि के कार्य किए जाने प्रस्तावित है। एमडीडीए अध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि अधिकारियों की बैठक को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। G20 में भी जो हम लोगों ने सौंदर्यीकरण काम किया उसकी काफ़ी जन सामान के द्वारा उसको अप्रिसिएट किया गया, तारीफ की गई, तो उसी को बढ़ाते हुए इन्वेस्टर समिट में हम लोगों को काम मिला था। उसमें देहरादून की 13 मुख्य सड़कों को हमने लिया था और उससे भी काफ़ी जन सामान्य से हम लोग जो फीडबैक है बहुत अच्छा है। तो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिए गए कि बाकी जो बची हुई सड़कें हैं उनको भी लिया जाए, तो ऐसी लगभग 30 सड़कों को हमने और चिन्हित किया देहरादून में, ऋषिकेश में, और विकासनगर की तरफ भी हम लोग बढ़ रहे हैं, तो उन सड़कों का भी सौंदर्यीकरण हम लोग